अंदर से भाव टाइप का निकल रहा है, यानी जय माता दी। दोस्तों आज मैं एक ऐसे हिस्टोरिकल पैलेस पे आ गया हूँ जहाँ पे आने के लिए हर कोई का एक सपना रहता है और वो सपने में ही बन के रह जाते हैं। दोस्तों मैं आज आ चुका हूँ माँ वैष्णो देवी की नगरी जम्मू यानी कटरा में, और फिर मैं प्लान बना रहा है माँ वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए या घर बैठे देखने के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी सफिशियंट होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरह से यात्रा शुरू करना चाहिए, किस टाइम में यात्रा शुरू करना चाहिए, कब आना चाहिए और क्या इसका रूल्स रेगुलेशन रहता है, डिटेल पूर्वक मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। ट्रैकिंग के कुछ इस तरह का शुरुआत होता है, काफी मतलब लोगों को अभी जो नवरात्रि में जो होता है ना बहुत ज्यादा यहाँ पे रहते हैं आदमी लोग, बट अभी थोड़ा सा जो व्यू है ना व्यू पॉइंट तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अभी है ये मौसम मानसून की, तो काफी बेहतरीन लगता है वेदर वगैरह। और ये देखो पहाड़ है सामने अंदर, और इस रास्ते से हम लोग चलेंगे अंदर, बहुत ही खूबसूरत लगेगा व्यू। आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, जिसे जिसे ऊपर जाएगा आपको रेट हर एक चीज से बढ़ता जाएगा। तो मॉर्निंग का तो चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। ये देखो चाय के कुछ स्टूल है, तो चाय देखते हैं क्या रेट बता रहा है यहाँ पे, बिस्किट और चाय पीते हैं, उसके बाद फिर से यात्रा स्टार्ट होगा। और फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहने लोग के भी पूरा जुनून, मतलब जब भी माता रानी के मतलब भक्ति इस तरह के खो जाते हैं लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का जयकारा लगाते हुए जाते हैं, देख सकते हैं जय माता की, लोग इस तरह का जयकारा लगाते हैं, जय माता की आंटी जय माता दी, इस तरह से जय माता के नारा लगाते हुए लोग ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। हम भी इसी रास्ते में इसी ग्रुप में शामिल है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जेंट्स और लेडीज का अलग अलग कतार होता है जो कि अलग डिवाइड में हो जाता है वो लोग गेट के पास ही, क्योंकि यहाँ पे पहला पड़ाव होता है जो चेकिंग वगैरह होता है वो यहाँ पे सारा चीज हो जाता है। और ये देखिए कुछ बहनें मेरी जा रही मुस्कुराते हुए, और यहाँ पे देखिए सभी माँ वैष्णो देवी का भक्त हैं लोग जो कि माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग बने रहिए कंटिन्यू, हर एक चीज आप लोग को दिखाते रहेंगे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कुछ इस तरह का कतार वाय कतार यानी लाइनिंग दिया जाता है जो कि कंट्रोल भीड़ इसी से होता है, देख सकते हैं। मेरा पहला पड़ाव पार हुआ, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होता था पूरा कर दिया, अब आगे निकल रहे हैं। और यहाँ देखो यहाँ पे शायद भीड़ क्या चीज़ का है कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, देख लो है ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या रूट है। तो यहाँ पे खच्चर वगैरह वाले ये देख सकते हैं सब लोग आ रहे हैं, और यहाँ लिखा हुआ न्यू ट्रैक मार्ग, यानी न्यू ट्रैक है, ये वाली शायद ओल्ड है और ये वाली न्यू शायद दिख रहा है मुझे जैसा लग रहा है। स्नान करके नीचे से आप लोग नहीं आए तो इस एरिया से यहाँ से दो मार्ग दिशा से फुट रहा है, अब देख सकते हैं सामने की एरिया में जा रहे हैं कि ये एरिया में जा रहा है, तो स्नान करने की व्यवस्था आप लोग को अंदर में मिल जाएगा और जाना हम लोग को इसी रास्ते से। और वो देखिए गुलशन जी का लंगर है, कुछ इस तरह के अंदर चलना पड़ता है, तो चलिए हम लोग लंगर की ओर चलते हैं अंदर में। ये कुछ देखिए अंदर में भीड़ पड़ा हुआ है, यहाँ लंगर वगैरह आपको मिल जाएगा, अब क्या क्या लंगर मिलता है वो आप लोग चीज़ों को दिखाते रहेंगे। ये लोग देखिए लंगर करके आ रहे हैं, लंगर हॉल है जहाँ पे हर एक लोग भंडारे की तरफ से निःशुल्क सामान, यानी यहाँ पे पैसे वगैरह कुछ जमा नहीं होता, आप लोग देख सकते हैं सामने बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो कि लंगर वगैरह का सुविधा कर रहे हैं। लंगर हॉल में बैठा हुआ कुछ यहाँ पे देखिए माता बहने बैठे, और लंगर हॉल में मुझे ये मिला एक पूरी, इसको बोलिए ये वाली चाय गिलास मिला, तो चलिए पहले इसको खाते हैं उसके बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं माता रानी का नाम लेते हुए, ट्रैकिंग स्टार्ट तो बहुत पहले हो चुका है, हमारा रानी है माता रानी को दर्शन करने के लिए हम है और एक भाई मुझे साथ में है। जय माता दी, जय माता दी। ये देखो सभी लोग दर्शन करके आ रहे हैं और एक भाई इधर है, बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी का नाम लेते हुए हम लोग ट्रैकिंग पे चल रहे हैं, और अंदर का ग्राउंड कुछ इस तरह का, देखिए पालकी वगैरह भी यूज किया जाता है यहाँ पे, वाह वाह असली मजा तो माता रानी के दरबार में आके मिलता है भाई। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट टाइप का कुछ बना गया जहाँ पे सेल्फी वगैरह भी लिया जाता है, देखो सीन देखने को लगता है बहुत ही जबरदस्त वाला, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है भाई, अभी तो अभी ऊपर चढ़े कहा, अभी तो नीचे में ही चल रहे हैं। देख सकते कुछ नहाने की इसको वान गंगा के कुछ गंगा बोलते हैं, इनका असली रूप तो ऊपर वाले में हिस्सा में है, बट यहाँ पर ही नॉर्मली उसका हिस्सा कुछ आ रहा है, जिससे काफ़ी कुछ माताएं बहनें सब लोग वहाँ से आ रहे हैं, सब लोग मतलब यहाँ पे नहा रहे हैं, जो नीचे नहीं नहाते वो लोग यहाँ पे आके नहाते हैं। चलिए ऊपर सामने दिया गया है मेडिकल यूनिट निःशुल्क है जो कि 24 घंटा उपलब्ध है। पहले दर्शन मुझे हो गए,
ये देखिए प्रथम दर्शन श्री माते श्री का चरण पादुका, कुछ इस तरह का यहाँ का व्यू पॉइंट है। पता नहीं गेट वगैरह तो लॉक है, अंदर जाने के शायद अंदर जाने की कोई सुविधा वगैरह नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे भी भीड़ बहुत सारा, कुछ कुछ जगह पे खाली दिखेगा आपको, बाकी सब एकजुट हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा लगता है ये देख सकते भाई, बहुत ज़बरदस्त वाली लग रहा है। बोतल लोग आप लोग भूल भी जाते हैं कहीं तो टेंशन मत लीजिए, पानी का बोतल ऐसे ऐसे सब बहुत सारा मिल जाता है ना भाई, तो मिल जाएगा। थोड़ा सा रेट हाई रहेगा, कितना रहेगा रेट? 30 रुपये ज़्यादा नहीं, 10 रुपये हाईस्ट रहता ना, तो ऊपर तो मिल जाता है आप लोग को, धोने से बचते हैं तो इतना तो बनता है, बट कोई बात नहीं। थैंक यू ब्रो। चाहते हैं सीढ़ी का भी उपयोग करने के लिए तो देखते हैं, यहाँ से सीढ़ी का भी उपयोग किया जाता है, पर सीढ़ी में ज़्यादा थकावट होता है इसलिए प्लेन रोड का यूज़ कीजिए, बहुत बेस्ट रहेगा। सीढ़ी में थोड़ा सा बहुत पहले पहुँच जाओगे, बट थकावट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ से देखो क्या अल्टीमेट व्यू दिख रहा है भाई, खतरनाक वाली। देखो बादल जिस तरह से लगता है ना कि पहाड़ बादल को चीर के ऊपर निकल गया भाई, इस तरह का व्यू आ रहा है, देख लो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत अच्छा। जो खच्चर लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में दो बात बताइए कुछ। ये सब देखो ऐसा है, ये पुण्य करने नहीं पाप करने जा रहे हैं, है ना, तो वो घोड़ा कर रहा है। बिल्कुल सही बात बोले, देख सकते हैं ना खच्चर को, देखे रो रहा था, वो नीचे उसको छोड़ देता है पीछे से, लात से मारता है। और क्या, तो आप लोग जो देख रहे हैं जिनके पास शक्ति औकात नहीं ऊपर से आ रहा है, मत करना। जो कोई भी आ रहा है इस वीडियो को देख रहा है तो ये चीज बिल्कुल मत करना, पैदल यात्रा करना, भले बैठ बैठ के जाना पड़े तो पूरी यात्रा पैदल करें। भैया का बात मानिएगा, मेरा भी बात तो मानते नहीं, भैया को कम से कम बात मान लीजिए। चलिए आगे आप लोग को देखते रहते हैं रास्ते में, खाने कितने कितने का है यहाँ पे मिल जाएगी, ये सारा चीज़ है और ये भैया दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, आगे चीज़ आप लोग को दिखाते हैं, लोग बैठते हुए एंजॉय करते हुए सफर को, यानी किस प्राप्त को जा रहे हैं। और भाई साहब देखते हैं यहाँ पे 201 ये वाली जो सीढ़ी जाती है ना, 271 सीढ़ी शायद इसमें है, तो हम लोग इसी रूट से चलेंगे, इस रूट से नहीं चलेंगे क्योंकि हम लोग को एंजॉय करते हुए चलना है, तो इसी रूट से चलते हैं। तो भाई साहब अभी मैं राधा ट्रेकिंग तो लगता पूरा कर ही लिया, और रास्ते में इस तरह का भोजनालय आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर भूखे हो जाते हैं तो आप लोग खाना वगैरह भी यहाँ पे आके खा सकते हैं, कुछ इस तरह का भोजनालय का सीन है, तो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस यहाँ पे आपको मिलेगा, वो आपके हिसाब से पता चलेगा क्या चीज़ आप खाना पसंद करते हैं, उस हिसाब से यहाँ का प्राइस रेट चलता है। तो चलिए, और खाने के लिए आपको कुछ इस तरह का कतार में लगे आपको टोकन लेना पड़ेगा, जिस तरह का टोकन रहता है इस काउंटर पे आपको खाना वगैरह मिल जाएगा। और कुछ इस तरह का खाना वगैरह मिल गया, चम्मच सलाद अचार और ये करी चावल जो कि आपको 45 रुपये लगेगी, इस तरह का खाना का। आप लोग इंटरेस्ट है तो आप भोजनालय में आइएगा, आपको सस्ते में मिल जाएगा। चलिए इसको खाते से बंद। मैं आधा दूरी तो लगभग तय कर ही चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद एक चौक मुझे मिलता है कुछ इस तरह के, देखते भवन जाने के लिए दो रास्ता यहाँ से दिया गया है, जो कि एक जाता है हिमकोटी मार्ग से, इस एरिया से जा सकते हैं भवन, और दूसरी है जो कि अधकुमारी की एड से, मतलब इस एड से जा सकते हैं, यानी किसी भी तरह से भवन जाना है तो आप लोग दो मार्ग अपना सकते हैं। तो फिलहाल आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से मार्ग यूज करते हैं, मैं तो कर रहा हूँ अधकुमारी, तो मैं चल रहा हूँ अधकुमारी की ओर से, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अधकुमारी की तरफ से, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों मानसून का मौसम बाकी बहुत खूबसूरत से लगती है, ये देखो यहाँ का नज़ारा कुछ लग रहा है, बादलों में कुल घुस गए हैं, इस तरह का देखो भाई व्यू, बादल टच कर रही है, हम लोग लगता है बादल में एंट्री ले चुके। और यहाँ देखिए इन सीढ़ियों की संख्या 165 है, इस तरह से भी लोग जा सकते आ सकते, ये सीढ़ी शॉर्टकट है। तो फिलहाल हम लोग तो इसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं प्लेन वाले रूट के अंदर, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसी के रूट में यूज करना, क्योंकि सीढ़ियों से चलने के बाद ना पैरों में जो यानी घुटनों में जो है थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो जाता है, समझ सकते हैं, इसलिए आप भी यूज कीजिएगा प्लेन वाले, ठीक है। तो फिर से आ गया पुलिस चेकिंग पोस्ट, यहाँ पे लेडीज वगैरह चेकिंग वगैरह होता है सारा चीज, बिना चेकिंग के आप लोग एंट्री नहीं ले सकते, प्रशासन लोग देखिए यहाँ पे बैठे हुए अभी चल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि चेकिंग पोस्ट में आपको कुछ किया नहीं जाता, बस आप लोग उसके अंदर से निकल जा सकते हैं बाहर, बस चेक हो जाता है। भाई देखो कितना दर्दनाक व्यू दिख रहा है, सामने बहुत सा चोटी है पहाड़, उसके अंदर से भाप टाइप का निकल रहा है, यानी बादल बोल दो या तो उसको क्या बोलता है मुझे नहीं पता, बस देखो किस तरह से निकला, धुंधला धुंधला पूरा जो निकल रहा है ना वो वही है भाई, देख लो भाई क्या खतरनाक व्यू लग रहा है ना।
और अंदर से भी इस रूट से हम लोग आ रहे हैं और इसके ऊपर अभी चढ़ना है, उसके ऊपर ही अभी जाना है। और देखो क्या जबरदस्त व्यू है, नजारा वाकई खूबसूरत है, बहुत ही देखने लायक है। अगर आप लोग भी आते हैं तो एक बार जरूर जम्मू अगर आते हैं तो माँ वैष्णो देवी के जरूर दर्शन कीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा पहले से और नज़ारा तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे मैं भी रुका हूँ सेल्फी वगैरह और रील्स वगैरह यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, वाकई खूबसूरत है भाई। देखो कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, भाई देख लो धूप तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। थकावट मतलब उन लोगों को हो जाता है जो मतलब पूरा डिमोटिवेट होकर आते हैं, जो हंसते खेलते हैं उनको तो पता नहीं चल रहा है कहाँ चढ़ाई करनी है। चलो अभी हम चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं। माता दी दोस्तों आज आप चढ़ाई पार कर चुके हैं और इसकी ऊंचाई की मैं अगर बात करूँ तो 5200 फीट ऊँचाई उसकी ऊँचाई है, बहुत ही हार्ड है, बट माता रानी का आशीर्वाद जिसके ऊपर है वो बहुत ही आसानी पूर्वक ऊपर चढ़ाई कर लेता है। बोलो जय माता रानी। सब किसी का मोबाइल आते वक्त यात्रा में ऑफ हो जाता है, चार्ज नहीं तो यहाँ चार्जिंग सुविधा भी जाता है, जिससे यहाँ चार्जिंग भी निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज वगैरह शायद नहीं लगता। एरिया में जहाँ की भवन वाले ग्राउंड होता है जहाँ पे लोग मतलब थक जाते थे, यहाँ पे लोग रिलैक्स आके करते हैं, वो कुछ इस तरह का एरिया है। यहाँ पे बहुत दूर से फैला हुआ दर्द गिरा के जाने के लिए इस तरह से रास्ता है, देख सकते हैं। और दोस्तों अर्ध कुमारी की ओर दर्शन करने के लिए आपको इस काउंटर के पास लगना पड़ेगा, कुछ इस तरह का काउंटर है और यहाँ पे आपको पर्ची कटाना पड़ेगा। पर्ची कुछ इस तरह का रहता है अर्ध कुमारी का। अब देख टाइमिंग वगैरह इसका अलग अलग रहता है, कभी कुछ रहता कभी कुछ रहता, कुछ इस तरह का जो नंबर आता है आपको उस तरह से आप दर्शन करेंगे। और दोस्तों मुझे जो अर्ध कुमारी का दर्शन का टाइमिंग मिला वो कल जाके रात में मिला है, यानी बहुत लंबा टाइमिंग हमको लगने वाला है, तो सॉरी मैं ना दर्शन कर पाऊंगा ना आप लोगों को दर्शन करा पाऊंगा अर्ध कुमारी, तो अगली बार आऊँगा तो वो आपको दर्शन करा। फैमिली के साथ आते हैं तो वो एक कार्ड जो आपको मिलता है काउंटर के पास वो कार्ड लेके कोई एक चले जाए, पूरा फैमिली लाइन में लगने की जरूरत नहीं, बस कोई एक जाकर लाइन में लगे वो पर्ची आपको मिलेगी। जो रिजर्व रास्ता जो रास्ता है तो अभी चलना इसके अंदर, चलिए अंदर का नजारा आप लोगों को कुछ दिखाते हैं। ये लोग देखते ये रहा कुछ अंदर का नज़ारा, लोग रेस्ट वगैरह भी यहाँ पे कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो फाइनली मेरी 8 घंटा का ट्रेकिंग पूरा हो चुका और मैं बस जस्ट बगल में, और मेरी टाइमिंग वगैरह देख रहे हो कुछ इस तरह का टाइमिंग है, मैं मॉर्निंग के 6 बजे ट्रेकिंग स्टार्ट किए थे और अभी टाइम देख रहे हो भाई 3 बजने वाला है और कुछ इस तरह का व्यू पॉइंट पे आ गया वो दिख रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है कुछ इस तरह का, ये पानी इसकी वजह सारा शायद इधर दिख रहे हैं, बादल पूरा एकदम घिरा हुआ है, पूरी तरह से बादल जो है ना पूरा लग रहा है कि हम लोग बादल के अंदर ही आ गए, इस तरह से ये पानी शायद आ रहा ऊपर से, और कोई रीज़न तो नहीं हो सकता क्योंकि बारिश वगैरह तभी हुआ नहीं। और भीड़ देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का अभी चल रहा है, अभी थोड़ा सा मतलब सरदारों लोगों की कम है क्योंकि अब जस्ट सामने की दूर में बचा हुआ है माता रानी का मंदिर, तो चलिए हम लोग माता रानी के पास जाते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ब्लॉग में कंटिन्यू, आप हमारे साथ अभी कुछ देर और जाइए। और भाई साहब देख सकते हो वो वाली डोली कहीं जा रही है, वो डोली के कुछ रास्ता कुछ इस तरह का जा रही है और नीचे की ओर जा रही है वहाँ पे। अब सामने पता नहीं क्या चीज़ वहाँ पे कोई सामान वगैरह इससे लाता है और क्या करता है उसके बारे में तो नॉलेज मेरे को नहीं है, बट ये ऊपर तक आती है, देख रहे किस तरह से जा रही है, बहुत ही प्यारा एकदम आसान तरीके से, जिस तरह से राजगीर में झूला एक है ना झूला रज्जू झूला, इस तरह के यहाँ भी उपयोग किया जा रहा है, बस वो डोली सामान के लिए टाइट वाला हुआ, इसके बीच में जो चेक पोस्ट मिला उसमें तो कुछ मिला नहीं, बस अंदर गए तो अंदर से मतलब बाहर तरफ निकल गया, बट इसमें थोड़ा सा केयर किया जा रहा है, इसमें चेकिंग वगैरह थोड़ा अच्छे से किया जा रहा है। और सामने बस इस तरह का माहौल बनाता जा रहा है, इवनिंग का टाइम हो रहा है तो भीड़ यहाँ पे बनता जा रहा है। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ मंदिर के पास और यहाँ पे से लॉकर वगैरह लेना पड़ जाएगा शायद, लगता ऊपर जाने के लिए मतलब अंदर में मोबाइल वगैरह कैमरा वगैरह ले जाने के अलाउ नहीं हो रहा है, देखते हैं क्या होता है कहाँ पर लॉकर वगैरह मिलता है, अभी बने रहिए अभी देखते हैं, अभी बने रहिए। दोस्तों अब यहाँ के बाद हम लोग वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पे लॉकर मिलता और यहाँ पे सारा चीज़ जब्त किया जाता है, यानी कैमरा और मोबाइल और जो भी चीज़ यहाँ पे रहता है वो नियम के अनुसार ही हम लोग को चलना पड़ेगा। कुछ इस तरह का अंदर में देखिए यहाँ पे इसके अंदर जाना पड़ता है, लॉकर हम लोग को मिलेगा, लॉकर का प्राइस क्या होगा वो आगे निकल के आप लोग को बता देंगे। फिलहाल माता रानी का जो बस सामने ही आप लोग को दिख रहा है वो वाली सामने जो है सामने ही है, अभी हम लोग चलेंगे उस एरिया से और जाएंगे इस तरह का है, अभी चाबी वगैरह इसका मिल गया अभी इसके अंदर पैक करना। फाइनली दोस्तों मेरे को माता रानी का दर्शन हो चुका और रियल में जो सुकून यहाँ पे आके मिला ना वो कहीं नहीं मिलता भाई, वो जितना सुने थे उससे कई गुना खूबसूरत माता रानी का जो आकार बना हुआ है वो पिंडाकार करके बना हुआ है और उसके जस्ट आप इस साइड कैच करके आप देखोगे ना राइट साइड में जो माता रानी के दर्शन करोगे तो राइट साइड में रियल वाली गुफा है जहाँ पे माता रानी के रियल वाली मतलब एक पत्थर का आकार माता रानी का मूर्ति करते हुए बना हुआ है, जो रियल वाली गुफा है, तो आप लोग अगर जब
जब भी जाइएगा माता रानी को दर्शन करने के लिए, तब निकलते वक्त देखिएगा वो रियल वाली गुफा है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम देके देखिएगा, गौर से देखिएगा तो माता रानी का आकार वहाँ पे बना हुआ है। फिलहाल इसके बारे में और भी रोचक बातें करूँगा, अभी फिलहाल मैं चल रहा हूँ भैरव की ओर, मतलब भैरव बाबा की ओर। आप लोग हमारे साथ ब्लॉग में कंटिन्यू अभी भी बने रही, अभी सफर खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी चलना है भैरव बाबा की ओर। यहाँ से भैरव बाबा का ट्रेकिंग पे और अभी जा रहा हूँ, यहाँ से जैसा कि बताया जाता है 1.5 किलोमीटर माँ वैष्णो देवी के पास से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और चढ़ना पड़ता है जहाँ पे भैरव बाबा। और ये जिस तरह से देवघर लोग जाते हैं तो माँ जिसमें बासुकीनाथ नहीं पहुँचते तो आपका यात्रा शुभ नहीं होता है, मतलब मान्यता प्राप्त नहीं हो पाता, इसी तरह से यहाँ भी होता है। अगर भैरव बाबा नहीं जाते तो आपका सफल नहीं माना जाता है। अभी हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा की ओर, तो अभी लगभग 0.5 किलोमीटर हम लोग चढ़ाई कर चुके भैरव बाबा और रहा माँ वैष्णो देवी की, और इस रूट से अभी हम लोग चल रहे हैं भैरव बाबा की ओर। अभी चलते हैं, सामने इधर है और वो माँ वैष्णो देवी, तो चलिए दर्शन करवाते हैं आप। जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्लिप पे, किस तरह से ये पूरी तरह से बादल घेर लिया, मंदिर तो गया, मंदिर दिख ही नहीं रहा भाई, देखो मंदिर इस तरह से पूरी तरह से ढक गया। और ये ना कि बादल इस तरह से ना, हम लोग बादल के ऊपर आए, हम लोग बादल में घुसे हुए हैं भाई, ये देखो चौबगल से घेर लिया बादल, खतरनाक वाला व्यू पॉइंट है। भैरव घाटी में जाना कोई आसान नहीं है भाई, लोग बोलते हैं कि आसानी से चल जाएंगे, बट इसका भी ट्रैक बहुत ज़्यादा है, 3 किलोमीटर लगभग बता रहा है, सॉरी मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं था इसके बारे में, मैंने 1.5 किलोमीटर बता रहा था, बट 3 किलोमीटर ये है। तो अभी चल रहे हैं आगे, बने रहिए, बस पहुँचने ही वाले, बस कुछ दूर बचा है। और लोग रास्ता मतलब ना जानकारी रहने के कारण से 3 किलोमीटर भोग गए हैं, 3 किलोमीटर गलत रास्ता यूज कर लिए, और मौसम को किस तरह हुआ, अंधेरा अंधेरा हुआ यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अभी हम लोग भैरव बाबा के पास चल रहे हैं, बस थोड़ा दूर और ट्रैकिंग बचा है, बस कुछ दूर और बचा है, इसलिए आप लोग साथ में कुछ दूर और बने रहिए, बस आने ही वाले, बस थोड़ा दूर बचा है। रास्ते कुछ इस तरह का सन्नाटा, बस बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि है ये वाला चीज़ जो है लिफ्ट वगैरह बहुत तलाव करती है, बट काफ़ी घूमते फिरते भोगते हुए मैं फाइनली आ चुका हूँ भैरव बाबा के मंदिर। वो रही सामने भैरव बाबा के मंदिर जो देख रहे हो, उसके अंदर लेना है प्रवेश। हम लोग का आना था इस रास्ते से, ये वाले रास्ते से, बट हम लोग उल्टा रास्ते से आ गए, जिधर से हम लोग उतरना था उधर से देखने 3 किलोमीटर हम लोग को ना आउटी एरिया पड़ गया, 3 किलोमीटर हमको घूमना पड़ गया, बट कोई बात नहीं, फाइनली किसी तरह से आ गए और अब चलते हैं अंदर दर्शन लेने के लिए। इसका कहानी कुछ इस तरह के कि जब माता वैष्णो देवी जब इनका वध किए थे ना, इनका सर कट के जो है ना कुछ आगे 1.5 किलोमीटर आगे चलाया था, इनकी वजह से फिर से अलग से करना पड़ेगा। दरअसल ये मुझे बाबा ने इस तरह का एक ब्लैक कलर का कपड़ा दिए जो कि भैरव बाबा का आशीर्वाद दुलार मुझे इस तरह से मिल गया। तो बात मम्मी मेरे का वीडियो देख रहे हैं तो देख, मुझे ये चीज़ मिला भैरव बाबा के निशाने जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी के लिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मिला भैरव बाबा का आशीर्वाद। बाबा के भैरव बाबा का दर्शन लेके आओगे तो सामने आपको भगवती मिलेगा वो इस तरह का। तो आप लोग जब बाहर निकलते तो उनको अवश्य अपने माथे पर लगाइए, और लोग बहुत सारे लोग घर पे ले जाते हैं, जो लोग मतलब सरदा जिस तरह का होता है वो इस तरह से, मतलब इसका कुछ महत्व जानते हैं जिससे आप लोग भी अगर आते हैं तो भगवती को जरूर लगाइएगा। जय माता दी। तो मेरे माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा जो चल रहे थे वो फाइनली रूप से कंप्लीट हो चुका, अभी जस्ट मैं भैरव बाबा का दर्शन किया और मैं अब चल रहा हूँ नीचे की ओर, यानी यात्रा मेरी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और टाइमिंग हो रहा है लगभग 6 बज रहा है मेरे यात्रा समाप्त होने का, और अब चल रहे हैं नीचे। तो आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद और काफ़ी अच्छे लगे होंगे, अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ब्लॉग के साथ, तब तक जय माता दी।